हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन की, इनका नाम है काली। कालीज के अंडर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, काली आयुर, काली सल्फ, काली म्योर, काली बाई क्रोमेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कालीज के जो मेन मेंटल सिम्टम है, जो मैं उनका जो नेचर है वो कैसा है। तो कालीज का सबसे जो मेन नेचर है तो वो प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल्स ड्यूटी। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो सिम्टम्स हैं कालीज के, कॉन्शेंशियस पीपल्स होते हैं, वो अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, उनका जो प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो काम जिस टाइम पे करना है तो उनको वो करना ही करना है। उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और रूल्स रेगुलेशन से पे स्ट्रिक्ट होते हैं। दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो। तो जब हम बात करेंगे कि कालीज के हिसाब से हर चीज़ उनके कंट्रोल में होती है, होनी चाहिए, कोई भी काम करेंगे तो उनके हिसाब से होना चाहिए, ना कि अगले बंदे के हिसाब से होना चाहिए। हर चीज़ लाइफ की कोई भी एस्पेक्ट होगा उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। जैसे कि इमोशंस, उनकी जो रूटीन है काम करने की, वो रूटीन उनकी रेगुलर रूटीन होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे क्लोज्ड, बहुत क्लोज्ड होते हैं वो, अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करते। बड़ी मुश्किल से डिफ़िकल्ट होता है उनको, जैसे कि फियर्स, बहुत सारे डर होते हैं। उन डर की वजह से उनको जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टोमिक पेन होता है, तो उसको जो डर है वो मतलब उनके माइंड में हर टाइम रहता है। तो तीसरी बात करेंगे ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म में जैसे हम देखते हैं क्लोज्ड होते हैं, कोई भी अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो किसी से शेयर नहीं करते। नेटर में भी ऐसा होता है, जो हमारी नेटर की मेडिसिन होती है उनमें भी ऐसा होता है। तो बात करेंगे वर्क टास्क, जो सेंस ऑफ ड्यूटी है कॉलेज की वो एक्सप्रेस होती है उनके वर्क में। जो मेन ड्यूटी कॉलेज में अगर हम देखेंगे तो उनकी ड्यूटी पे वो सबसे ज़्यादा अपने ध्यान देते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं, सोसाइटी में उनका बहुत अच्छा नाम होता है, प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो, बहुत सारे प्रोफेशन में हमें देखने को मिलेंगे। जैसे बैंक में देखते हैं मैनेजर है, पुलिस वाले हैं, जज है, ट्रांसलेटर है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे जनरल करैक्टरिस्टिक कॉलेज के, जनरल करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, क्वाइट हैवी बिल्ड होते हैं, क्वाइट कोल्ड होते हैं। तो काली की जैसे मेडिसिन देखें कौन कौन सी है, काली आर्स है, काली बाई है, काली कार्ब है, काली फॉस है, काली म्योर है, काली ब्रोमाइटम है, काली आयोड है। तो बात करेंगे हम मोडेलिटीज़ की, बहुत स्ट्रॉन्ग मोडेलिटीज़ होती हैं काली में। जो एग्रावेशन होती है वो 3M होती है, कभी कभी 2M से 4M भी इसकी जो एग्रावेशन है वो होती है। डिज़ायर्स की बात करेंगे, स्वीट डिज़ायर होती है, नीड से अवर्जन होता है। एग्रावेशन कब होती है, ड्यूरिंग फीमेल्स में अगर देखेंगे तो मेंसिस, ड्यूरिंग मेंसिस के टाइम को एग्रावेशन होती है। कंप्लेंट्स की बात करेंगे तो कंप्लेंट्स कैसी कैसी हो सकती हैं। टिपिकल कंप्लेंट होती है स्टिचिंग पेंस, कभी कभी शार्प पेंस होता है। जो डिस्चार्जेस होते हैं वो कॉपीज होते हैं, यूजली थिक होते हैं, येलो ग्रीन भी जो हमारे डिस्चार्जेस पेशेंट में देखने को मिलेंगे, येलो या येलो ग्रीन भी होते हैं। वीकनेस होती है, अनीमिया कभी कभी हो जाता है लेटर स्टेजेस में, ओडीमा देखने को मिलता है कॉलेज के पेशेंट में, एंकल्स में, आई लीड में स्वेलिंग हो जाती है,
अस्थमा देखने को मिलता है, निमोनिया होता है, ज़्यादातर स्टॉमिक पेन कंप्लेंट जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं कॉलेज के पेशेंट में। तो स्टॉमिक होता है वह बहुत सेंसिटिव होता है, पेन्स होते हैं, अल्सर्स होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, जो मेंसीज हैं कॉपियस होते हैं, कभी कभी जल्दी हो जाते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं। जो ल्यूकेरिया होता है फीमेल पेशेंट में, येलो कलर का, क्रीमी येलो कलर का होता है, सिम्टम होते हैं रूमेटिक सिम्टम होते हैं, जॉइंट पेन होता है, इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट्स में, हिप्स में, मोस्टली हिप्स और नीज में होती है, बैक एक होती है, शेटिका होता है। तो फ्रेंड्स ये था मेन जो हमारी कॉलेज ग्रुप की मेडिसिन है उनका जो मेन जनरल फिजिकल या मेंटल जो मेकअप है पेशेंट का, तो मैं आपको बताया, होप आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स मैं ऐसे ही हर रोज़ नए नए टॉपिक पे, नए नए मेडिसिन पे वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव लगा अगर तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।